भाजपा नेता जो हैं पार्षद भी हैं सेक्टर 15 से, वो हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ धनास मार्केट मार्बल मार्केट में पहुँचे हैं। अतिक्रमण की जो कार्रवाई है उसके खिलाफ आइए इनसे जानते हैं कि पूरा मामला क्या है और आगे किस तरह से जो है ये इन दुकानदारों की सपोर्ट में खड़े हुए हैं। देखिए, आज आप जिस प्रकार देखा ही है कि यहाँ पर बुलडोजर जो आए थे, और प्रॉब्लम ये नहीं है कि कार्यशाली में होता है कि आपने नोटिस इशू किए आपने इनको अपॉर्चुनिटी ऑफ हेयरिंग दी, लेकिन जब जजमेंट की बात आई तो जजमेंट के मौके पे आप कहीं ना कहीं इन पे धक्का करने लग पड़े और आपने इनकी बात नहीं सुनी। तो हमारा ये मानना है कि जहाँ ये कौसाई जुडिशी के तहत जो ये प्रशासन बात करती है, जिसमें SDM और स्टेट ऑफिसर आते हैं, वो जुडिशियली से नहीं सोचते हैं। वो ये नहीं सोचते हैं कि यहाँ पर कितने लोग रोजगार में हैं। वो ये नहीं सोचते हैं कि इस मार्केट से कितने लोगों का घर चलता है। एक तरफ से 2 साल में हम कोरोना से बाहर आए हैं, कोरोना से अभी बाहर कहाँ आए हैं, अभी हमारा काम धंधा शुरू नहीं हुआ और आप ये ऐसी गाज उतार रहे हैं। तो कम से कम इनको निर्णय वाले जो अफसर बैठे हैं उनको कभी ये चीज नजर नहीं आती है। इस बात की हमें पीड़ा होती है। आज सरकार हमारी और हम लोग सड़कों पर उतरे हैं। क्यों उतर रहे हैं? क्योंकि ये प्रशासन कहीं ना कहीं ऐसे अफसर जो नलायक अफसर बैठा रखे हैं, जो लोगों की हित और लोगों की बात नहीं सुनते हैं। तो हम इस चीज को लेके आइए हम आपके बीच में। तो जो ये पुनर्वास योजना का बता रहे हैं, पुनर्वास योजना के ऊपर जब बातचीत हो चुकी है और वो फाइल आगे चल रही है, उससे पहले ये कार्रवाई करना कहां तक जाएगा? अभी आपने सुना, वो विनय जैन जी जो इसके मार्केट के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने कितनी अच्छी बात बोली कि 2007 और 2 से लेकर वो तकरीबन हर जगह हर दरवाजे पे जा चुके हैं और वो इस पुनर्वास योजना के तहत उन्होंने चाहे तो कितने 2 गवर्नर 3 गवर्नर और पता नहीं कितने फाइनेंस सेक्रेटरी, कितने एडवाइजर आ चुके हैं, लेकिन आज भी इनकी पुनर्वास योजना की जो फाइलें हैं वो फुटबॉल बनी हुई है। प्रशासन बस फुटबॉल बनाता रहता है। फाइनेंस सेक्रेटरी भेजेगा स्टेट ऑफिस के पास, स्टेट ऑफिस भेजेगा एडवाइजर के पास, एडवाइजर भेजेगा एडमिनिस्ट्रेटर के पास, पर मरता कौन है? चंडीगढ़ के वासी मरते हैं। आप देखिए ये कौन है? इनसे ही तो देश चलता है। टैक्स कौन देता है? बिजनेसमैन देता है। और ये रोजी रोटी, आप देखिए इनके साथ जो मजदूर खड़े हैं, 10,000 मजदूरों को ये लोग रोजी रोटी देते हैं। और आपने एक बार नहीं सोचा कि कोरोना काल से अभी देश उभरा नहीं है? श्रीलंका, पाकिस्तान सारे धराशायी हो रहे हैं, यूक्रेन धराशायी हो रहा है, जहां पे आज भी आप देखें इकोनॉमिक परिस्थितियां कहां नीचे गिरी हैं। और चंडीगढ़ और भारत को खड़े करने वाले बिजनेसमैन के साथ आप ये सब कर रहे हैं, ये निंदनीय है। और ये प्रशासन को सोचना पड़ेगा, ये सब हम नहीं चलने देंगे। चाहे हमें सड़क पे आना पड़े, हम लोगों के बीच में रहेंगे और ये धक्केशाही प्रशासन के अधिकारियों की हम नहीं होने देंगे। बीजेपी तो ये जो है अतिक्रमण के खिलाफ जो कार्रवाई चल रही है प्रशासन की, उसके बारे में सौरभ जोशी बोल रहे थे। मार्केट के प्रधान जो है हमारे साथ हैं विनय जैन जी से हमारी बातचीत हो चुकी है। अब आगे की क्या कार्रवाई रहेगी सर? हमारी यही कार्रवाई रहेगी कि हम प्रशासन को मिलेंगे और उनको बोलेंगे हमें पुनर्वास योजना में फाइल हमारी जल्दी चला के हमें वहाँ पे 39 वेस्ट में जहाँ पे जमीन अक्वायर हुई है वहाँ पे बिठाया जाए। मैं आपको एक बार और बता दूँ, इसमें जो वो लैंड अक्वायर हुई है उसके साथ पंजाब जॉइंट पंजाब की लैंड है, उसमें सिर्फ डिमार्केशन होनी है। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने बोला हम काम शुरू कर देंगे, इसकी डिमार्केशन जॉइंट डिमार्केशन करा दो पंजाब के साथ। वो स्टेट ऑफिस ने करानी है, हमारा उसमें कोई भी रोल नहीं है। वो देखो गवर्नमेंट के लेवल पे होनी है, स्टेट गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट। तो कितनी जमीन है सर वो एक्वायर करी जो? वो 82 एकड़ है जी। ओके, तो कितने एक दुकानदारों को आवंटित होगी वो जमीन? वहाँ यहाँ पहले सर्वे हुआ था, ये 164 इन्होंने एलिजिबल शॉपकीपर रखे हुए हैं, 164 शॉपकीपर हैं। तो 164 को मतलब ये आवंटित करेंगे। हाँ। बाकी और टोटल दुकानें जो आप बता रहे हो 250 से करीब है? टोटल इस वक्त 185 के करीब दुकानें हैं। 185 के करीब है। हाँ, हाँ। मतलब वो जो 20-25 जो रहते हैं उनको भी कोशिश करोगे कि हाँ, वो तो बाद में कोशिश की जाएगी ना जी। वैसे इनके पास 196 प्लॉट बनाए इन्होंने 500 गज के। सब कुछ होने के बावजूद देखिए क्या और बकायदा प्लानिंग बनी हुई है, प्लॉट नक्शे बने हुए हैं, नक्शे भी बने हुए हैं। अर्थ प्रकाश के लिए साजन शर्मा धनास की मार्बल मार्केट से। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना ना भूलें।